बढ़िया। चलो देखो बेटा, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने सब फर्स्ट टॉपिक में पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का बेसिक कंसेप्ट। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को उसकी प्रॉपर्टीज समझाई, और नेक्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को क्या समझाया, प्रॉपर्टी ऑफ फील्ड इन लाइंस। उसके बाद जो मैंने वीडियो लेक्चर आप लोगों को सेंड करा, उसमें मैंने आप लोगों को करवाया न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम डिस्कस करें न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल चल रहा था, उसमें हम बात करते हैं मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, मतलब जो कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुसेगा दो प्लेट्स के बीच में, तो उस पे क्या क्या इफेक्ट आएंगे। तो कल मैंने उसके सारे पॉइंट्स बता दिए थे, उस पे बेस्ड हम एक अच्छा सा न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। देखिए ये आपका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल क्या है आप लोगों का, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एग्जिस्ट बिटवीन मेटल प्लेट्स, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एग्जिस्ट बिटवीन मैटर प्लेस्ड, वन नेगेटिव एंड अदर पॉजिटिव। वन कैसी है, नेगेटिव है, और अदर कैसी है, पॉजिटिव। द प्लेट लेंथ एल एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डी, सेपरेशन क्या आपका डी दे रखा है, ठीक है। दो प्लेट दे रखी है आप लोगों को इस तरीके से, और उनके बीच का सेपरेशन क्या है बेटा, डी है, और प्लेट की लेंथ कितनी है मान ली मैंने, एल है, ठीक है। ये मान लिया आपके पास पॉजिटिव प्लेट है, तो ये प्लेट कैसी हो जाएगी आपकी, नेगेटिव है, ठीक है। तो पूछ रहा है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इफ इलेक्ट्रॉन ई मतलब इलेक्ट्रॉन, पी मतलब फ्रॉम, स्टार्ट मूविंग पैरेलल टू द प्लेट टुवर्ड्स द अदर, ठीक है, एंड फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स एट वन एंड ऑफ द प्लेट विच ऑफ द, तो पहले क्वेश्चन में भी पूछा प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, ये तो दो प्लेट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इनके बीच में, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहा होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव, एल लेंथ है, डी इनके बीच का सेपरेशन। तो ए पार्ट में तो पूछा आप लोगों से अपोजिट डायरेक्शन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन गोज इन अपोजिट डायरेक्शन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, देखो प्रोटॉन तो किधर आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल सा कांसेप्ट है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेम। अगर चार्ज कैसा, पॉजिटिव। अगर चार्ज कैसा आपका, नेगेटिव है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या हो जाएगी, अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो कह रहा है कि दोनों एक एंड से दूसरी प्लेट से जा रहे हैं आपके पास, तो पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द विन द रेस, कि कौन सा रेस को जीतेगा, मतलब कौन सा जो पार्टिकल या प्रोटोन इलेक्ट्रॉन से जो इस ए प्लेट से बी प्लेट पे जल्दी से पहुंच जाएगा, ठीक है। अब किसी क्वेश्चन के बी पार्ट को थोड़ा चेंज कर दिया, बी पार्ट में पूछ रहा है इफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मूविंग पैरेलल टू द प्लेट, मतलब अब की बार इलेक्ट्रॉन, इस केस में तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, और जो बी पार्ट है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे जा रहे हैं, ये प्लेट आपके पास पॉजिटिव प्लेट, ये प्लेट आपकी नेगेटिव प्लेट, अब वो ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी, अब पार्टिकल कैसे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे, ये ऐसे जाएंगे, क्यों, देखो अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, अगर कैसा पार्टिकल होगा, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन किधर चला जाएगा, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस साइड होगा तो प्रोटॉन इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किधर चला जाएगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, ड्यू टू द अट्रैक्शन, ड्यू टू द अट्रैक्शन। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा, पॉजिटिव प्लेट की साइड, और प्रोटॉन किधर चला जाएगा, नेगेटिव प्लेट की साइड। पहले क्वेश्चन में तो दोनों ऊपर नीचे ऐसे जा रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन में वो कैसे मूव कर रहे हैं, पैरेलल टू द प्लेट, ये प्लेट है इसके पैरेलल ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे क्वेश्चन में पूछा है ये डेविएशन वाई कितना होगा इनका, ठीक है, डेविएशन मतलब अपने पाथ से, एक्चुअली अगर फील्ड नहीं होती तो सीधे सीधे मूव करने जाने चाहिए थे ऐसे, लेकिन जब भी फील्ड नहीं है तो वो ऐसे सीधे मुंह कर जाने चाहिए थे, फील्ड के कारण फोर्स लगा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की डायरेक्शन में चला गया प्लेट से, और नीचे इसकी डायरेक्शन में, वो पूछ रहा है। अब क्वेश्चन सुनिए, टुवर्ड्स द अदर एंड मिड पॉइंट ऑफ द सेपरेशन ऑफ द प्लेट एट वन एंड ऑफ द प्लेट विच वन ऑफ द टू हैव ग्रेटर डेविएशन, ग्रेटर डेविएशन मतलब ये वाई की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ठीक है बेटा। इसी कंसेप्ट पे बेस्ड आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 33 इसी पे बेस्ड है, जो ये बी पार्ट है ना उसी से लिंक है, ठीक है। बाकी मैं अभी इसको डिस्कस करती हूँ, फिर एनसीईआरटी की प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। विच ऑफ द टू विल हैव ग्रेटर डेविएशन व्हेन कम्स आउट फ्रॉम द प्लेट, विच ऑफ द टू हैव ग्रेटर डेविएशन एंड कम्स आउट फ्रॉम द प्लेट, ठीक है।
विद, किसके अंदर ज्यादा ग्रेट डेविएशन होगा, कब? देखो सिचुएशन दे दी, विद सेम वेलोसिटी जब वो दोनों सेम वेलोसिटी से चले हो, सेम काइनेटिक एनर्जी जब वो दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या हो, सेम हो, जब उन दोनों के मोमेंटम क्या हो, सेम हो, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन एक है, लेकिन हमारा इसी एक क्वेश्चन में हमारे चार क्वेश्चन हो जाएंगे, मिनिमम फोर क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इसी एक क्वेश्चन में हमारे सारे कंसेप्ट कनेक्टेड है। तो देखिए मैं आप समझाती हूँ आपको टर्न बाय टर्न, क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं बी पार्ट को हटा देती हूँ, क्वेश्चन समझा दिया मैंने कि क्वेश्चन की थ्योरी क्या कह रही है। अब हम क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए ये आपके पास क्या है, दो प्लेट है, सॉल्यूशन देखिए, एक प्लेट कैसी है, पॉजिटिव, दूसरी प्लेट कैसी है आपकी, नेगेटिव, ठीक है। वो पॉजिटिव से कहां आ रहा है, नेगेटिव पे, ठीक है, समझ आ गया। ये दो प्लेट आपके पास, सीधी नहीं बनी क्या भैया, सीधी बनाते हैं भैया, मैडम प्लेट सीधी नहीं रखी, भैया अब रख देते हैं, कोई बात नहीं भाई, मेरी ड्राइंग थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है ना, कोई बात नहीं, आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। ये इस प्लेट से इस प्लेट के बीच ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर से किधर होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। देखो सिंपल सी बात है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटोन है, तो प्रोटोन तो किधर मूव करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये बात समझा क्यों, अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा, क्योंकि उसमें फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या मूव करेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब कल जो बेसिक कंसेप्ट समझाया था, उसमें बताया था जब ऐसी सिचुएशन होगी तो क्या बताया था आप लोगों को, फॉर यूनिफॉर्म फील्ड एफ इज इक्वल टू एम ए, पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, और एफ इज इक्वल टू क्यू ई, तो एम ए बराबर क्यू ई, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, डायरेक्शन भी लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, नेगेटिव डायरेक्शन, माइनस का जे कैप, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्शन पूछी नहीं, फिर मैं बता देती हूँ, आप लोग कल भी जो क्वेश्चन था उसमें मैंने बता दिया था, डायरेक्शन आपको समझ आती, ठीक है। तो ए क्या बन गया, क्यू ई बाई एम, ठीक है। अब आपके पास देखो प्रोटोन के लिए बात करते हैं, क्यू ई क्यू पी, प्रोटोन के लिए क्यू पी ई बाई एम, ठीक है, एम पी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है दोनों के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूंगी तो क्यू ई ई एम पी, ठीक है। अब बताइए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे चार्ज तो सेम है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन बराबर है चार्ज ऑन द प्रोटॉन, लेकिन अब बात करते हैं मास की, मास तो दोनों का डिफरेंट होता है ना, मास ऑफ द प्रोटॉन 1.67 -10^-27 किलोग्राम होते हैं, और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है 9.31 9.31 होता है किलोग्राम, ठीक है। तो देखो मास ऑफ द प्रोटॉन ज्यादा है किससे, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से, यहां से देखो मास ऑफ द प्रोटॉन ज्यादा है किससे, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से, तो यहां से क्या समझ आ रहा है इस वाले पॉइंट से कि जो एक्सेलरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के, तो मास ऑफ द प्रोटॉन ज्यादा है किससे, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो बताइए प्रोटॉन का मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कम, एक्सेलरेशन क्या होगा, कम, तो टाइम क्या लेगा आपका, ज्यादा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा किससे, एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन से, एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा होगा किससे, एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटॉन से, ठीक है, समझ आ गया। इट मींस विच वन ऑफ द विन द रेस, रेस को कौन जीतेगा बताइए, आप इस टाइम भी वैसे ध्यान समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉन विन द रेस, इलेक्ट्रॉन विन द रेस, बिल्कुल टाइम से लिंक बनाना चाहते तो ऐसे लिख लो, एस क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू जीरो, एस क्या बन गया 1/2 ए टी का स्क्वायर, तो टी स्क्वायर किसके बराबर बन गया 2s/a, तो टी किसके बराबर हो गया रूट 2s/a, तो यहां से भी लिंक बन गया ना, मैं और करके बता देती, और सेकंड मेथड देखिए, ये समझ
अब यहां से देख लीजिए, तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या बना, t इज इक्वल टू रूट टू एस बाई ए। अगर वो क्वेश्चन में ये कह दे कि टाइम बताइए टाइम कितना लेगा, ये तो समझ आ गया इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से यहां समझ आ गया एक्सेलरेशन का जिसका ज्यादा है वो भी इसी बात, और टाइम कम लेगा। अब क्वेश्चन में पूछेगा न्यूमेरिकल्स में जब थोड़ा घुमाएगा कि बताइए कितना टाइम लेगा, कितना टाइम लेगा, ठीक है। ये हमारी एक एनसीईआरटी का अनसॉल्वड प्रॉब्लम है कि उसमें यही पूछा हुआ है, क्वेश्चन इतना सा ही है, उसे बस वैल्यू दे दी एक्सेलरेशन की, प्रोटोन की, मास की, इलेक्ट्रिक फील्ड की, और इसमें यह पूछा है तो बताइए कितना टाइम लेगा प्रोटोन इस एंड से इतने एंड तक जाने में कितना टाइम लेगा, तो टाइम के लिए क्या लगा दो 2s / a, ठीक है। तो अब यहां से भी क्या देखो, टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सेलरेशन के। तो देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा है विंदा रेश, विंदा रेश, तो देखो एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटोन, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है आपके पास ज्यादा, किससे, एक्सेलरेशन ऑफ द प्रोटोन से। तो देखो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज्यादा है ना, तो टाइम क्या लेगा, कम ना, टाइम कम मतलब वो जल्दी पहुंचेगा, टाइम कम का मतलब वो जल्दी पहुंच जाएगा ना, तो मतलब TE लेस देन होगा किससे, TP से, ठीक है। मतलब कि माने इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हुआ, अगर माने इलेक्ट्रॉन एक सेकंड लेगा तो प्रोटॉन कितनी सेकंड ले रहा है, मान लिया 2 सेकंड ले रहा है, मान लिया मैंने जस्ट इतना, ठीक है, तो ये टाइम कम ले रहा है तो ये जल्दी पहुंचेगा ना, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन विन द रेस, इलेक्ट्रॉन रेस को जीत जाएगा। मैंने दोनों में ऐसा समझाया, आप यहां से भी डायरेक्ट ऑप्शन में आंसर दे सकते थे, मान लिया वो टाइम पूछे कितना टाइम लेगा तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया। और आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में कह रहा है कि नाउ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, नाउ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, अब जो है इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है आपके वो ऐसे जा रहे हैं यहां से, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये आपकी नेगेटिवली चार्ज प्लेट, ठीक है। अब वो इधर से ऐसे एंटर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इधर से ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, एंटर करेंगे तो इन पे फोर्स लगना शुरू हो जाएगा यही से धीरे धीरे ऐसे। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो दोनों सीधे जाने चाहिए थे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो उनपे कोई फोर्स नहीं होता, सीधे जाने चाहिए था। अब इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा, टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, और प्रोटॉन किधर चला जाएगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, ठीक है। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इधर आपकी बार वो पैरेलल जा रहे हैं, वो प्लेट के कैसे मूव कर रहे हैं, पैरेलल, ये डी डिस्टेंस दे रखी है, ये आपकी एल डिस्टेंस, प्लेट कितनी लेंथ की, आपकी एल लेंथ की प्लेट है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि डेविएशन बताइए, क्या बताना है, डेविएशन, ठीक है। तो डेविएशन देखिए कैसे निकालेंगे, तो मैंने कल आप लोगों को बताया था, एक तो क्या फॉर्मूला लगेगा, ए इज इक्वल टू क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम, ठीक है बेटा। आप बात करें आपके पास एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला लगाएंगे, आप इक्वेशन लगाएंगे यू टी प्लस में हाफ ए टी का स्केयर, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्केयर, यू इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, रेस्ट से जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रखी है, रेस्ट कह रखा है, तो वो मतलब रेस्ट से जा रहे हैं, तो क्या बना, इसको डिस्प्लेसमेंट, देखो वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो इसको वाई लिख देते, इसकी भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, वाई, तो वाई इज इक्वल टू 1/2 AT का स्केयर। अब ए क्या आपका QE by M, और T को क्या लिख सकते हो, देखो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा आपके पास, डिस्टेंस कितनी है L, प्लेट की लेंथ कितनी है L by V, तो T की जगह क्या रख दोगे L by V, तो यहां पुट कर दो, इसको नंबर 1 नाम दे दो, इसको नंबर 2 नाम दे दो, इसको नंबर 3, यूजिंग 2 and 3 इन 1, तो y कितना आ गया बेटा आपका 1/2 QE by M L by V का स्केयर, तो ये क्या लिख सकते हो QE by M L square by V,
y डिस्प्लेसमेंट आया आपका q e l स्क्वायर अपॉन में m v का स्क्वायर. देखो ये आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, उसमें इतना ही पूछा है. एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 33 उसमें इतना ही पूछा है कि बताइए डेविएशन बताइए. उसमें एक पार्टिकल जा रहा है सिर्फ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, उसमें सिर्फ एक ही चार्ज पार्टिकल, कोई पार्टिकल है क्यू चार्ज का, वो मूव कर रहा है प्लेट के अंदर, ठीक है, तो उसमें सिर्फ ये पूछा हुआ है, ठीक है. लेकिन हमें मैंने ये क्वेश्चन बता दिया कि एनसीईआरटी में इतना ही पूछा हुआ है, एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 33, लेकिन अपने क्वेश्चन में क्या पूछा उसकी बात करते हैं. समझ आ गया? अब मैं इस पॉइंट को हटा दूं, देख लेना एनसीईआरटी क्वेश्चन को खोल के एक बार, ठीक है, बुक को. अब देखो अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे, पहले तो ये अब आपके क्वेश्चन में पूछा है एनसीईआरटी में एक चार्ज पार्टिकल प्लेट के बीच में जा रहा, तो पूछ रहा कितना डेविएशन हुआ है, तो एनसीईआरटी क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही प्रूव करना है आपको, ठीक है. एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 33 अनसॉल्वड प्रॉब्लम का आपका. अब मैं मुझे आपके अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करनी है. अब आपका क्वेश्चन क्या है बेटा कि बताइए जब वो ऐसे जा रहे हैं डेविएशन इसके प्लेट के साथ, तो कह रहा है विद सेम इनिशियल वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी क्या है सेम है, तब किसमें ज्यादा डेविएशन होगा, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है तब किसमें ज्यादा डेविएशन होगा, दोनों की जब मोमेंटम सेम है तब किसमें ज्यादा डेविएशन होगा. तो देखो बात करते हैं अभी हम लोग, हटा दो इसको, ये समझ आ गया होगा ना आपको. अब यहां देखो पहला केस पॉइंट, पहला पॉइंट था आपका सेम वेलोसिटी, सेम है वेलोसिटी कि वेलोसिटी क्या है सेम है. तो देखिए बात कर लेते हैं, तो वाई y प्रोटॉन के लिए लिखू तो y p लिख देती हूँ, q p e l भी सेम है दोनों के लिए, मास m into v, v वेलोसिटी सेम है, ठीक है. अब y e के लिए लिख लो y e q e e l square m e v square, ओके गाइस. तो क्या मिला, अब मैं डेमोंस्ट्रेशन निकाल देती हूँ, y p by y e डिवाइड कर दो, तो q e QPEL स्केयर अपॉन एम पी वी स्केयर QEEL स्केयर एम ई वी स्केयर. देखो QE से सॉरी बेटा सॉरी ये नहीं कटेगा, EL स्केयर से EL स्केयर कैंसिल, V स्केयर से V स्केयर कैंसिल, क्योंकि उसने कहा वेलोसिटी क्या है सेम, तो मैंने V ही लिखा है, वेलोसिटी दोनों की क्या है सेम है, ठीक है, सेम इनिशियल वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी क्या है उनकी सेम है, ठीक है, उस सिचुएशन में हम बात कर रहे हैं, ठीक है. तो क्या बन जाएगा वाई पी बाई वाई ई, क्या बना बेटा आपका यहां से क्या बचा क्यू पी एम ई पाई एम पी क्यू क्यू पी तो बराबर होता ही है क्यू के, कि चार्ज ऑन द प्रोटोन इक्वल होता है किसके चार्ज ऑन द प्रोटोन के, इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होगा उतना ही किस पे होगा प्रोटोन पे, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा वाई पी बाई ये कैंसिल हो जाएंगे, तो वाई पी बाई वाई ई एम बी बाई एम पी. ये अभी बताया कि मास ऑफ द प्रोटोन ज्यादा होता है किससे, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से. प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10⁻³⁶ किलो, ठीक है गाइस, ठीक है बेटा समझ आया. तो देखो अब यहां से ये एक बात समझ आ रही है इस रिलेशन से, देखो यहाँ पी है तो यहाँ ई है, यहाँ ई है तो ये पी है, तो इस रिलेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके एम के, लिख सकते हैं ना. देखो तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका डेविएशन क्या होगा कम, और जिसका मास कम होगा उसका डेविएशन क्या होगा ज्यादा. तो मास किसका ज्यादा प्रोटॉन का, ठीक है, प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो डेविएशन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो डेविएशन इलेक्ट्रॉन का क्या होगा ज्यादा होगा किससे प्रोटॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो डेविएशन क्या होगा ज्यादा, तो डेविएशन इन इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन होगा किससे प्रोटॉन से. समझ आया? तो ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन गया, यहाँ से शॉर्ट में सीधा करना था आप लोगों को, वैसे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए तो सीधा है,
एक बार लिखो फटाफट एक शॉट में कट करो, ये रिलेशन याद रखो कि y इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया किसके, मास के, कब, जब वेलोसिटी सेम है, जब है वेलोसिटी सेम है, इनिशियल वेलोसिटी क्या उनकी सेम है, तो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हो गया। तो आपके पास जब मास ज्यादा है तो आपके पास क्या हो जाएगा, डेविएशन कम, मास कम है तो डेविएशन क्या हो जाएगा, ज्यादा, इन दैट सिचुएशन ओनली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, जब आपका क्या सेम हो, काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या हो बेटा आपकी सेम हो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो आपकी सेम हो। ठीक है, तो जब काइनेटिक एनर्जी सेम है तो देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दू इस रिलेशन को और 2 से डिवाइड कर दू, कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे पास, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, इसी तरह मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दू, 2 से डिवाइड, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, देखो क्या बना आपका, क्यू पी ई एल स्क्वायर इंटू, अरे ये वाला, ये काइनेटिक एनर्जी बन गई ना, 1/2 करूंगी तो 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अरे भाई इसके नीचे 2 ले जाऊं ऊपर चला गया, तो क्या बना आपके पास, एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अब आपके पास ये बन गया क्यू ई एल स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब करो इनको भाई वाई पी बाई वाई ई, तो देखो क्यू पी ई एल स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, क्यू ई ई एल स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब वो उसने क्वेश्चन में दिया ही है बी पार्ट में कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो, सेम, काइनेटिक एनर्जी क्या आपकी सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेम है, जो प्लेट से बाहर आ रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या है उनकी, सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी सेम है तो क्या लिखूंगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है किसके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन के। तो देखो ये भी आपस में कैंसिल और ई एल स्क्वायर से ई एल स्क्वायर भी कैंसिल, क्या मिला बच्चा आपका बेटा, वाई पी बाई वाई ई इक्वल हो गया किसके, क्यू पी बाई क्यू ई के। अब हमें पता है कि क्यू पी भी बराबर है किसके, क्यू ई के, तो क्या आ गया वाई पी बराबर वाई, मतलब जब दोनों सेम इनिशियल वेलोसिटी सेम काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेंगे उस सिचुएशन में डेविएशन दोनों में क्या होगा, सेम होगा, दोनों सेम डेविएशन से क्या होंगे, प्लेट में डिफ्लेक्ट होंगे, व्हेन दे कम्स आउट फ्रॉम द प्लेट, जब वो प्लेट से बाहर आएंगे तो जब काइनेटिक एनर्जी सेम होंगे तो ये जो वाई होगा इस वाई के बराबर होगा, ये दोनों वाई वाई वन बराबर होगा किसके, वाई टू के, भाई मेरे बनाने में छोटा बड़ा हो रहा है पर ये दोनों बराबर है, हां जी। ठीक है भाई, क्लियर, क्वेश्चन समझ आ गया, अरे भैया आ गया ना, चलो तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए नेक्स्ट में कहा आपके सेम मोमेंटम, जब वो सेम मोमेंटम से बाहर आ रहे हैं, मोमेंटम क्या उनका सेम है, तो नेक्स्ट आपका सी पार्ट, मैंने ऐसे लिखा था क्वेश्चन में, सेम मोमेंटम, सेम है मोमेंटम, मोमेंटम, तो देखिए सेम मोमेंटम के लिए ऐसे लिख लो इसको, इसको हटा देते हैं, दोबारा लिख दूं, क्यू पी ई एल स्क्वायर एम ए पी वी स्क्वायर। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, तो देखिए ये रहा मास और ये रहा आपका वेलोसिटी, तो इसको ऐसे लिख लूं क्यू पी ई एल स्क्वायर एम पी, वेलोसिटी को वीपी लिख देती हूँ, इस बार वेलोसिटी सेम नहीं है तो वीपी इंटू वीपी, इसी तरह इसको लिख लूं मैं क्यू ई एल स्क्वायर एम ई वीई इंटू वीई, क्या बना आपके पास ये, आप देखिए क्या बन गया, ये आपके पास ये मोमेंटम बन गया, ये बन गया आपका मोमेंटम, और उसने कहा है कि मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन बराबर है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बन गया वाई पी को क्या लिख सकते हो, ये लिख दो बेटा, तो क्या बन गया क्यू पी ई एल स्क्वायर
मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन बीपी क्यूई ईएल स्क्वायर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन बीई ठीक है अब इनको डिवाइड कर दो वाईपी बाय वाईई इज इक्वल्स टू क्यूपी ईएल स्क्वायर पीपी बीपी क्यूई ईएल स्क्वायर पीई वीई ईएल स्क्वायर से ईएल स्क्वायर कैंसिल और ये पता ही उसने दिया ये दोनों आपस में क्या इक्वल ये दोनों में क्या हो जाएंगे कैंसिल क्योंकि ये दोनों आपस में क्या इक्वल है ना तो आप पी मान सकते हो थोड़ी देर के लिए तो मैं यहाँ पे पी लिख दू और मैं यहाँ पे क्या लिख दू पी लिख दू ठीक है तो ये बन गया आपस में कैंसिल तो क्या बचा आपका और ये पता है कि चार्ज ऑन प्रोटोन बराबर होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन के तो इसको भी क्यू क्यू कह दू मैं ये भी दोनों आपस में कैंसिल ठीक है तो क्या बचा आपका वीई बाई पीपी तो बना आपका वाई पी बाई वाई ई बराबर हो गया VE by VP ठीक है फिर से देखिए ये आपके पास ये है आपका अब उसमें क्या है मोमेंटम क्या है सेम है तो मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी तो नीचे वाले फैक्टर को V शेयर को मैंने VP VP लिख दिया तो ये मान गया मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इनटू VP इसी तरह मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू VE ठीक है ये क्वेश्चन में दिया है कि दोनों आपस में क्या है इक्वल है ठीक है इसी तरह चार्ज भी दोनों का क्या है आपका बराबर है ठीक है बेटा अब ये जो कटना था वो कट गया ये बच गया VE by PP अब देखो अब आपके पास YP by YE बराबर है VP by VE के VE by PP के ये है ना अब देखो इसे इन दोनों से क्या लिख सकते हो यहां से इस रिलेशन से Y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के Y इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके V के ठीक है अब देखो A क्या होता है QE by M ना अभी मैंने प्रूव करा था अरे अभी तो प्रूव करा है चार्ज दोनों में सेम है इलेक्ट्रिक जिसका मास ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन कम होगा एक्सेलरेशन कम है तो वेलोसिटी भी क्या होगी कम होगी ना अरे ऐसे लिख लो V is equal to U plus AT AT A को क्या लिख सकते हो QE by M into T into V तो देखो ये तो सब सेम है ठीक है तो देखो जिसका मास क्या है कम है उसकी वेलोसिटी क्या होगी ज्यादा जिसका मास ज्यादा उसकी वेलोसिटी क्या होगी कम तो मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन से ठीक है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है ज्यादा है किससे प्रोटॉन की वेलोसिटी मैं लिख देती हूं मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है किससे मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन से ठीक है तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती किससे वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन से तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है ज्यादा है तो डेविएशन क्या होगा कम तो YP ज्यादा होगा किससे YE से तो याद रखना जब सेम मोमेंटम होगा तो क्या होगा आपके पास डेविएशन ऑफ इन YP ग्रेटर देन होगा किससे YE से तो तीनों का कंक्लूजन मैं फिर लिख देती हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए जब आपका सेम वेलोसिटी तो YE ज्यादा होगा YP से सेम काइनेटिक एनर्जी तो YE बराबर होगा किसके YP से सेम आपका पास क्या है मोमेंटम है तो आपके पास YP ज्यादा होगा किससे YE से दैट इज योर कंक्लूजन ऑफ योर क्वेश्चन ठीक है तो क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में आपके लगभग सारे पॉइंट्स आपके इस टाइप के आ चुके हैं समझ आ गया होगा सबको आई थिंक देखो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए ये क्वेश्चन आपके पास दे रहा था नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फिगर आप शो की फिगर दे रखी है ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है ये सी है ये डी पॉइंट दे रखा है यहाँ पे ई पॉइंट दे रखा है दीज आर द डायरेक्शन ऑफ सच फील्ड लाइंस क्वेश्चन के ए पार्ट में क्या पूछा है Is field uniform? What is the sign of QA and QB? क्या ये field lines uniform है और sign of QA और QB क्या होगा तो बताइए क्या field lines uniform दिख रही हैं आप लोगों को बताइए क्या field lines uniform दिख रही हैं? No. देखो ना तो spacing same है ना ही इस charge से निकलने वाले field lines इस charge के बराबर है ये फील्ड लाइंस कहीं ऐसे जा रही है ऐसे जा रही है स्पेसिंग बिल्कुल भी नहीं सेम नहीं है पोजीशन
हाफ फील्ड लाइंस क्या हो रही है, चेंज हो रही है. और यूनिफॉर्म फील्ड कौन सी होती है, जो पोजीशन के साथ चेंज ना हो, जितनी यहाँ से चले उतनी ही आगे तक चलती रहे आपके पास. ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आया, नो. इसका आंसर क्या है, नो, फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म फील्ड की डेफिनेशन पिछले वीडियो में बताई थी क्या होती है, जाके देखो वहां पे. व्हाट इज द साइन ऑफ क्यू ए एंड क्यू बी. देखो क्यू ए एंड क्यू बी, देखिए इससे चार्ज बाहर ऐसे निकल रहा है, फील्ड लाइन ऐसे बाहर निकल रही है ना, तो ये आउटवर्ड. तो क्यू ए तो कैसा हुआ आपका, पॉजिटिव. और क्यू बी कैसा हुआ आपका, नेगेटिव. समझ आ गया, साइन कैसे देखेंगे, इससे तो बाहर निकल रही है और इसके अंदर जा रही है, तो भी सी बात है क्यू बी कैसा हुआ, नेगेटिव. अगले क्वेश्चन पे, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ चार्ज क्यू ए एंड क्यू ए बाई क्यू बी. डिटरमाइन द रेशियो ऑफ चार्ज क्यू ए बाई क्यू बी. तो देखो क्यू ए बाई क्यू बी, तो देखो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर देखो, यहाँ पे क्यू ए बाई क्यू बी का रेशियो में क्या बताया था, कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन जितनी चार्ज से निकलेगी वो चार्ज का क्या बताएगी, मैग्नीट्यूड. नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितनी चार्ज से बाहर निकलेगी भैया वो उसका क्या बताएगी, मैग्नीट्यूड. तो देखो कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है चार्ज से, कितने, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11 और 12. कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है, 12. तो क्यू ए का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, यहाँ से क्यू ए का मैग्नीट्यूड रेशो बाद में लिखती हूँ, पहले क्यू ए कितना हो गया, 12. कूलाम लिखो तो कूलाम में लिख लो, माइक्रो जो भी दे रखा उसमें. क्यू बी कितना हो जाएगा आपका, क्यू बी में देखो 1 2 3 1 2 3, ये लाइन क्यू बी की तरफ नहीं आ रही तो इनको कंसीडर नहीं करेंगे, ये वाली लाइन और ये क्यू बी की तरफ नहीं आ रही, आगे सीधी जा रही है. तो क्यू बी कितना हो गया, 6. तो क्यू ए बाई क्यू बी कितना आ गया, 12 बाई 6 कितना आ गया, 2. क्यू ए बाई क्यू बी का रेशियो कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया. ठीक है, अगला देखिए, अपार्ट फ्रॉम इनफिनिटी वेयर द न्यूट्रल पॉइंट, अपार्ट फ्रॉम इनफिनिटी वेयर इज द न्यूट्रल पॉइंट. न्यूट्रल पॉइंट कहाँ लाई करेगा, जब मैंने बताया था एक चार्ज कैसा हो पॉजिटिव, दूसरा चार्ज कैसा हो नेगेटिव. मैंने बताया था आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, जब एक चार्ज कैसा हो पॉजिटिव, ये ए पार्ट का सॉल्यूशन था, ये आपका बी पार्ट का सॉल्यूशन, इसी का देखिए. जब एक चार्ज कैसा है पॉजिटिव और दूसरा चार्ज कैसा आपका नेगेटिव है. ठीक है, तो मैंने बताया था न्यूट्रल पॉइंट या तो इधर लाई करेगा या फिर इधर, क्योंकि बीच में तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम ना, पॉजिटिव के कारण इधर और नेगेटिव के कारण भी इधर, तो बीच में तो लाई नहीं करेगा, क्योंकि बीच में रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा, या तो रिजल्टेंट फोर्स लेफ्ट में जीरो होगा या फिर राइट में. ठीक है, अब कहां लाई करेगा, मैंने बताया था प्रॉपर्टी के अंदर भी, वैसे भी प्रूव ही करा था, कूलम्ब्स लॉ की प्रॉपर्टी समझाई थी, क्लोजर टू द स्मॉलर चार्ज. स्मॉलर चार्ज कौन सा आपका, 6 कूलम्ब वाला ना, तो कहां लाई करेगा, इस सी पॉइंट क्या बताएगा यहाँ पे, न्यूट्रल पॉइंट. तो सी पॉइंट क्या है यहाँ पे आपका, न्यूट्रल पॉइंट. सी क्या है, न्यूट्रल पॉइंट. बोलो बात समझ आ गई इतनी, इसको थोड़ी बाद में सॉल्व करते हैं, पहले इसको देख लेते हैं. वेयर द फोर्थ को अभी छोड़ रही हूँ, सॉल्व करना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन है. वेयर द लाइंस मीट व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द ए एंड नॉट मीटिंग एट बी. वो कह रहे हैं कि ये लाइन जो है ना ए से तो आ रही है, ये वाली लाइन, एक तो ये वाली और एक ये, देखो ये जा रही है, इसको नाम दे देती हूँ मैं एल, इस लाइन को नाम दे दिया मैंने 1 लाइन, इस लाइन को नाम दे दिया मैंने 2 लाइन, 1 और 2 लाइन. ये क्यू से तो आ रही है, क्यू ए से तो, लेकिन क्यू बी पे नहीं मिल रही है, तो ये कहाँ जा रही है, इनफिनिटी की तरफ. तो आंसर में क्या लिखोगे, दे आर गोइंग इनफिनिटी. किधर जा रही है ये, टुवर्ड्स इनफिनिट, ऐसे लिख दो एक लाइन में, टुवर्ड्स इनफिनिट. किधर जा रही है ये, इनफिनिटी की तरफ जा रही है. अगला क्वेश्चन देखिए, विल ए पॉजिटिव चार्ज फॉलो द लाइन ऑफ फोर्स इफ फ्री टू मूव. कल ही बताया था क्या, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऑलवेज फॉलो द फील्ड लाइंस लाइन ऑफ फोर्स, नहीं फॉलो करता ना, लाइन ऑफ फोर्स को फॉलो नहीं करता. अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो लाइन ऑफ फोर्स को फॉलो करेगा, लेकिन अगर वो कर्व पाथ में मूव करेगा तो आपके पास वो फ्री टू मूव कर रहा, तो जिस जगह पाथ कर्व पाथ भी बनाए कहीं ना कहीं, तो कह रहे कि दस नोट फॉलो नहीं करेगा. जो कर्व पाथ में मूव करेगा तो वो फॉलो नहीं करेगा. जब वो स्ट्रेट लाइन में फॉलो करेगा, द चार्ज पार्टिकल मूव स्ट्रेट लाइन, देन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों क्या हो जाते हैं, सेम.
then it follow the line of force. Then it follow line of force. ठीक है? लेकिन if they move in curve path, if move in curve path, then acceleration and velocity different. Then acceleration and velocity are different. Then it does not follow the path. इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर वो कर्व पाथ में मूव करेगा तो उसके लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. अगर वो कर्व पाथ में मूव करेगा तो कैसा फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स. और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब टेंजेंट टेंजेंशियल फोर्स को ही बताती है ना. ये तो कहा था ना, टेंजेंट टू एट एनी पॉइंट इट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. टेंजेंट टू एट एनी पॉइंट इट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो आप ये भी कह सकते हो एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिफरेंट है. और ये भी कह सकते हो इफ दे मूव इन द कर्व पाथ, if they move, मैं लिख देती हूँ, if they move in the curve path, if they move in the curve path, then centripetal force required, force required. And electric field lines gives the tangential force. Tangential force. ठीक है, इसलिए वो कर्व पाथ में मूव नहीं करेगा. ये क्वेश्चन उल्टा ये बन जाते हैं कई बार कि वाई द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट फॉर्म द क्लोज लूप. ये भी मैंने तो समझाया था, अगर क्लोज लूप बनेगी तो वहां पे सेंट्रीपेटल फोर्स वर्क डन, सारी सिचुएशंस वहां पे होल्ड हो जाती है, जो कि ये सेटिस्फाई नहीं करता. समझ आ गया? अब इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं आपका, जो मैंने अभी छोड़ दिया था. ये सब समझ आ गया? देखिए, नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4. देखो, इधर देखो, ये डिस्टेंस मान ली
इस चार्ज से डिस्टेंस सी तक की कितनी मान लिया आपने x, ठीक है। अब देखो ये क्या बना k 12 k by x, आपकी l plus x, l plus x का स्केयर। देखो ये डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, ये की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और ईवी को देखते हैं, ईवी को देखो 6k by x का स्केयर। अब देखो x बहुत कम है as compared to this, x कम है तो ईवी क्या हो गया, ज्यादा। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। समझ आ गई बात या नहीं आई? एक बार देखो मैं जो कहना चाह रही हूँ वो पॉइंट आप लोगों को समझ आया या नहीं आया। समझ आ गया? अब ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दी थी क्वेश्चन में, इन दोनों बीच की डिस्टेंस थी ना, क्या दे रखी थी क्वेश्चन में, डिस्टेंस d tan root minus 1। ये l जो था वो कितना दे रखा था, tan root 2 minus 1 दे रखा था। अरे ये दे रखा था ना आपको क्वेश्चन के अंदर। अरे भैया समझ आ गया नहीं आ गया? They are separated by the distance this। तो कैसे करेंगे, कर दो। अब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, इक्वल एंड अपोजिट, ए बराबर ई बी। तो क्या बना आपके पास, ये ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा।